झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह की उपस्थिति में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि इस बार शिलान्यास हुआ है तो इस बार काम भी अच्छा होगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य की खुद मॉनिटरिंग करें ताकि काम उच्च क्वालिटी का हो सके। उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण के प्रथम चरण में तालाब में घाट निर्माण, तालाब की साफ सफाई, घाट के बगल में बॉर्डर पत्थर भी लगाए जाएंगे ताकि छठ व्रतियों को कीचड़ से छुटकारा मिल सके। उसके बाद तालाब की चार दीवारी का निर्माण कराया जाएगा। वहीं तालाब के समीप अतिक्रमण के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले गैर विधिवत कार्य अच्छे ढंग से हो जाए, उसके बाद जब तालाब सौंदर्यीकरण का काम दिखने लगेगा तो लोग खुद बेखुद इसे विवाद को समाप्त कर देंगे। इस मौके पर मौजूद सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि शुक्रवार को राजा तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य का शिलान्यास हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस बार निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक राजा तालाब की नई तस्वीर झरिया की जनता को दिखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल 14वें वित्त आयोग की राशि से इसका सौंदर्यीकरण का कार्य चालू हो रहा है। इसके बाद जो भी काम बचेगा उसके लिए सांसद फंड और झरिया विधायक के फंड से कराकर इसका कार्य पूरा किया जाएगा। इस बाबत विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने आश्वासन भी किया है। देखिए, जब काम अच्छा शुरू होता है तो अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। शिलान्यास हुआ ना, इसके पहले शिलान्यास नहीं हुआ था, हुआ है और निश्चित तौर पर इसकी यहाँ काम अच्छा होगा। इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों के ऊपर है कि जो भी काम हो लोग जो यहाँ पर हैं उसको मॉनिटर करें। और राजा तालाब जो है यहाँ का हेरिटेज है जिसको हम बोलते हैं, इसको हमें बना के रखना है, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए और झरिया की धरोहर है इसके लिए भी, जिसके बारे में आज तक नहीं सोचा गया है। लेकिन अब चूंकि काम हो रहा है और काम अभी आपको बता दूं कि दो फेज में होगा। पहले फेज में तीन साइड का काम हो रहा है, तीन तरफ के घाट बनेंगे, इसमें जो है पत्थर लगेंगे, घाट का निर्माण होगा, नीचे बोल्डरिंग होगी ताकि छठ में पूजा में जब महिलाएं खड़ी होती हैं हमारी छठ व्रतियाँ तो उनके लिए आसान हो। तालाब की सफाई होगी और इसमें बेंचेस लगेंगे, वृक्षारोपण होगा, बाउंड्री बनेगी, ये सारा काम अभी तीन तरफ का है फर्स्ट फेज का। नहीं, वो सेकंड फेज का है, उसके लिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो काम सेकंड फेज में होगा। फर्स्ट फेज में जिन तीन तरफ का काम हो रहा है वहाँ पर अभी ऐसा कोई विवाद नहीं है। हम पहले चाह रहे थे कि विवाद रहित काम हो जाए, जब काम अच्छा लगे, लोगों को खुद में समझ में आने लगेगा तो मुझे लगता है आगे के विवाद भी सुलझ जाएंगे। ये लगभग आपको जय ही है यहाँ पे वो बता देंगे, आप उनसे इसका जानकारी ले लीजिए। सौंदर्यीकरण का शिलान्यास हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार निश्चित रूप से एक नई तस्वीर राजा तालाब का दिखाई देगा। पूर्व में भी कई बार इस तालाब का विकास के लिए खर्च किए गए लेकिन अंततः उसका कुछ परिणाम नहीं निकला, ज्यों का त्यों दिखाई राजा तालाब देता रहा। लोग यह कहे कि तालाब के नाम पर यह बड़ा नाला, इसमें ना कोई उपयोग, जनता का कोई उपयोग नहीं था, निश्चित रूप से आगे के दिनों में जनता के लिए उपयोगी हो, चाहे छठ पूजा हो, छठ का रख देने का हो या नहाने का काम हो। जब इतना सौंदर्यता आएगी या लोग टूरिज्म के लिए बोटिंग का इस तरह आनंद लेने का भी यह स्थान हो सकता है। बहुत बड़ा तालाब है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो इस 14वें वित्त आयोग के पैसा से जितना काम है वो अच्छे ढंग से हो, गुणवत्ता वाला हो, समय पर हो, और जो काम बच जाएगा उसमें मैं भी सहयोगी बनूंगा और यहाँ के विधायक ने भी बतलाया है कि हम भी सहयोग करेंगे ताकि पूर्ण काम हो सके। और इसलिए बहुत शुभकामना इस अवसर पर, जिस उम्मीद के साथ जनता का उत्साह दिखाई दे रहा है कि हम यह राजा तालाब का एक काया पलट होगा, वह काया पलट
निश्चित रूप से सफल हो। और इसका क्योंकि मैं दिशा का भी अध्यक्ष हूँ, धनबाद जिला में जो भी कार्य होता है उसका मॉनिटरिंग करने का, अनुसरण करने का भारत सरकार ने मुझे जिम्मेवारी दिया है, इसका अध्यक्ष हैं। और उस समय भी इसके समय समय पर हम लोग भी इसका निगरानी करते रहेंगे। पहले भी कई बार इसका फंड आया, 15 वार्ड हो गया, बतला दिए।